पीकू फिल्म के डायरेक्टर के मूवी में अब काम करने वाले इरफान खान की बेटा बाबिल खान। दिव्यांत अभिनेता इरफान खान की बेटे के लाइफ का अब टर्निंग पॉइंट आने वाले है, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड की मशहूर फिल्मकार सुजीत सरकार की मूवी में काम करेगा। हाँ जी दोस्तों, और ये मूवी प्रोड्यूस कर रहा है रोनी लाइडी। इसी मूवी की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है और नेटफ्लिक्स की काला मूवी के लिए उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले है। ठीक से अगर इसी मूवी के अंदर उन्होंने काम करेगा तो ये बाबिल की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शनिवार प्रोड्यूसर रॉनी ने उनका सोशल मीडिया अकाउंट में एक पिक्चर शेयर करते हुए लिखा, ऑनर टू टेक फॉरवर्ड योर लेजेंड इरफान खान सर, वर्क विद अ लेजेंड लाइक यू एंड नाउ बाबिल, इफ दिस इज नॉट प्रोविडेंस व्हाट इज। बाबिल इससे पहले भी दोस्तों प्रोड्यूसर रॉनी के साथ सुजीत सरकार ने काम किया था पीकू मूवी में, जहाँ पे इरफान खान, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण काम किया था। लेकिन बाबिल को लेके फिल्म मेकर ने कैसा फिल्म बना रहा है, क्या फिल्म बना रहा है, इसके बारे में कोई भी अपडेट फिल्म मेकर ने शेयर नहीं किया है। और सोर्सेस की माने तो ना बाबिल ना फिल्म मेकर इसी मूवी को लेके कोई भी अपडेट शेयर नहीं करना चाहते। काला मूवी में तृप्ति दिमरी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देगा बाबिल खान को। और इसी मूवी के अंदर एक बंगाली एक्ट्रेस भी है, स्वस्तिका। इरफान खान तो एक लेजेंडरी एक्टर था, लेकिन बाबिल क्या वो प्रूफ कर पाएंगे? बाबिल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इसी एक्टिंग प्रोफेशन में ही काम करना चाहते हैं, वो भी इरफान खान की तरह, लेकिन उन्होंने इरफान खान के साथ काम नहीं करने का अफसोस तो रह ही जाएगा। अब दोस्तों ये देखना बाकी है कि इसी मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक आते हैं।